ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई बड़ी सेंध। सिंधिया समर्थक कई दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में शामिल। महाराज सिंधिया को लगा जोर का झटका, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र के गढ़ में जयवर्धन सिंह राघवगढ़ के युवराज सेंध लगाने में लगे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने पिछले कुछ दिनों से शिवपुरी जिले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शिवपुरी जिले से गुना जिला लगा हुआ है और गुना जिले की राघवगढ़ सीट से जयवर्धन सिंह विधायक हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह लगातार शिवपुरी जिले में दौरे कर रहे हैं और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को तोड़ने में लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कोलारस से भाजपा के असंतुष्ट नेता बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज सिंह धाकड़ और जितेंद्र जैन गोटो को अपनी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल कराया था। इस प्रवेश के बाद कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बदरवास में शनिवार को एक रोड शो का आयोजन किया गया। बदरवास में जयवर्धन सिंह का ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन भी मौजूद रहे। जगह जगह जयवर्धन सिंह का स्वागत किया गया। इस रोड शो के दौरान कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अलावा जिले की चार अन्य विधानसभा सीट से भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे और जयवर्धन सिंह का स्वागत करते हुए देखे गए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कई असंतुष्ट भाजपा नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि असंतुष्ट भाजपा नेता ऐसे दल में आना चाह रहे हैं जहां पर निष्पक्षता से काम होता हो और कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती हो। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 170 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान आम जनता ने इस बात को महसूस किया है कि 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल के दौरान अच्छे काम हुए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि इन 15 महीनों के अच्छे काम को देखते हुए उन्हें विश्वास है कि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका देगी।